बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज नायब कोर्ट में मेरी पेशी थी नारवाल स्पोर्ट सिटी के केस में। जैसा कि आपको मालूम है कि अब ये बात मंजर आम पे आ चुकी है कि फारूक आदम साहब का वो बेहवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जितनी भी एहतसाब के नाम पे मुहिम जोई की गई वो क्या सराइयों और अखबारी बयानात पे मबनी थी। इसी की एक झलक नारोवाल स्पोर्ट सिटी का रेफरेंस भी है, जो एक गुमनाम अखबार के तराशे के ऊपर शुरू किया गया, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बॉर्डर से 800 मीटर के फासले पे एक स्पोर्ट्स के मंसूबे पे 6 अरब रुपया ज़ाय कर दिया गया है। जबकि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का फासला बॉर्डर से लाहौर के डिफेंस सोसाइटी के फेज़ 8 से दुगना है, और जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मंसूबा हकूमत के मुताबिक बनाया गया उस पे सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक सिर्फ 2.5 अरब रुपया खर्च किया गया है। तो 2.5 अरब रुपये के मंसूबे को 6 अरब का दिखा के और बॉर्डर से 12 किलोमीटर के फासले को 800 मीटर का फासला बना के एक नैब का रेफरेंस शुरू हुआ, और जब बिल आखिर वो अदालत में फाइल हुआ तो उसमें ना 800 मीटर रह गए, ना 6 अरब रह गए, ना 1 रुपए की माली बदनवानी रह गई। सिर्फ उसमें ये इल्ज़ाम रह गया कि सूबे को मुकम्मल करने के लिए जोर क्यों लगाया है, इसे पुश क्यों किया है। तो पाकिस्तान में आज जितने भी मंसूबे हमारे दौर में मुकम्मल हुए उन सब के लिए हमने ज़ोर लगाया, सिर्फ नारोवाल स्पोर्ट सिटी को मुकम्मल करने के लिए ज़ोर नहीं लगाया, सीपैक के तमाम मंसूबों पर ज़ोर लगाया, मोटरवेज़ के लिए ज़ोर लगाया, मुल्क की तरक्की के लिए ज़ोर लगाया, तभी जाके ये मंसूबे मुकम्मल हुए। हम कुर्सियों में बैठ के दफ्तरों के मज़े नहीं लेते रहे, हमने मंसूबों को पीछा करके मुकम्मल करवाया है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मुस्लिम लीग नून के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये बोगस रेफरेंस सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी किरदार कुशी की जाए, हमें अदालती प्रोसेस के अंदर झोंक के हमारा वक्त ज़ाया किया जाए, लेकिन इसमें रियासत के करोड़ों रुपए ज़ाय हो रहे हैं, अदालतों का वक्त ज़ाय हो रहा है। ये एक झूठ पे मबनी, क्या सराइयों पे मबनी किरदार कुशी है। मैं एक बार फिर इसकी मिसाल दोबारा दूंगा, मैं हर दफ़ा दोहराता रहूंगा कि 2 साल पहले वज़ीर मवासलात ने मुझ पे 70 अरब रुपया मुल्तान सखर मोटरवे का इल्ज़ाम लगाया कमीशन किकबैक लेने का। इस जाहिल वजीर को ये नहीं मालूम कि सी पैक मंसूबों की चीन की हकूमत ने बराए रास्त फंडिंग की है। सी पैक मंसूबे जो चीन की मदद से बने हैं उसका 1 रुपया पाकिस्तानी फंड में या बजट में नहीं आया, वो चीन की हकूमत ने बराए रास्त कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है। तो ये वजीर वाजे करें कि अगर मुझ पे 70 अरब रुपए का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो क्या ये चीन की हकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वो शर्मनाक बयानात हैं जिनकी वजह से आज सी पैक भी दुनिया में मुतनाज़ा हुआ है और सी पैक रुक चुका है। आज सी पैक के ज़रिए 9 इकोनॉमिक जोन्स में तकरीबन 40 अरब डॉलर की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो 9 इकोनॉमिक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हुआ। तो मुल्क को इस नालायक और नाअहल हकूमत के हाथों जो नुकसान पहुंच रहा है वो नाकाबले बयान है। सी पैक जो हमारे लिए एक सदी का तोहफा था, चीन की हकूमत का एक बेहतरीन तोहफा था, हम उसका भी फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सक रहे कि चीन की हकूमत हमें मदद करना चाहती है,
लेकिन पीटीआई हुकूमत ने वो मुआशी ढांचा ही गिरा दिया है, ढा दिया है, जिसके ऊपर सीपैक की इमारत खड़ी होनी थी। तो जब आपकी मईशत की बुनियाद गिर जाती है, जब आपकी ग्रोथ रेट ख़त्म हो जाती है, जब आपके यहाँ इन्फ्लेशन बेकाबू कर दी जाती है, जब आपका माली खसारा बेकाबू कर दिया जाता है, जब आपका एक्सचेंज रेट बेकाबू हो जाता है, तो दुनिया का कोई सरमायाकार वहाँ पे सरमायाकारी नहीं कर सकता। तो सीपैक के लिए जिस मुआशी ढांचे या प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, हकूमत ने उसे तबाह कर दिया है, तरक्याती बजट का हुजम निसफ कर दिया है। लिहाजा निसफ तरक्याती बजट के अंदर आप $8 अरब का ML1 का मंसूबा शुरू नहीं कर सकते, उसके लिए बजट फराम नहीं कर सकते। आज मगरबी रूट अभी तक अधूरा है, जिसने दिसंबर 2018 तक मुकम्मल होना था। इसी तरह दीगर सी पैक के मंसूबे जिन्होंने दिसंबर 2018 तक मुकम्मल होना था, इस हकूमत से मुकम्मल नहीं हो पा रहे। ML1 पे 2018-19 में काम शुरू हो जाना था। हमारे दौर में ML1 मंसूबे के तमाम फिजिबिलिटीज़ और उसके डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस मुकम्मल हो चुके थे। फाइनेंसिंग एग्रीमेंट करके उस पर काम शुरू करना था, लेकिन 2.5 साल हो गए हैं, ये सिर्फ बयानात की हद तक खड़े हैं। इसी तरह मैं ये बात आज उजागर करना चाहता हूँ, इस हकूमत ने पाकिस्तान की हायर एजुकेशन को तबाह कर दिया है। पेशावर यूनिवर्सिटी दिवालिया हो गई है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दिवालिया।